आज मैं आपको ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसके प्रयोग से आप अपने जीवन में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं, तो नाखूनों के माध्यम से ही धन की समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर आपके जीवन में शत्रु हैं, तो शत्रु को भी दूर किया जा सकता है। तो इन सभी चीजों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आपको हम बता देना चाहते हैं कि नाखून शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें किसी भी व्यक्ति का उसका ओरा वास करता है, बल्कि काला जादू में नाखूनों के ही इस्तेमाल से किसी भी व्यक्ति के ओरा को पकड़ लिया जाता है। और काला जादू टोना टोटके में नाखून और बाल का इस्तेमाल तो होता ही है। अब काफी सारे लोग गलती यह कर बैठते हैं कि जब भी वो अपने नाखूनों को काटते हैं तो ऐसे ही कूड़ेदान में उन्हें फेंक देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने नाखूनों को अगर आप कूड़ेदान में फेंकते हैं तो इससे आपका खुद का ही ऑरा खराब हो जाता है। अगर आपका ऑरा बिगड़ जाता है तो इसके वजह से आपके मन में चिंता, टेंशन, डिप्रेशन आदि होने लग जाता है। यानी कि कूड़ेदान में बहुत ही सड़ी गली चीजें रहती हैं, और अगर आप वहां पर अपने नाखूनों को फेंकते हैं तो बस इन्हीं सब चीजों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लग जाता है। बल्कि अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप नाखून को कभी भी मंगलवार और शनिवार इन दिनों में भूलकर भी ना काटें। नाखूनों को काटने के लिए केवल बुधवार और शुक्रवार का दिन ही आप चुन सकते हैं। शुक्रवार के दिन आप इन नाखूनों को काटकर बरगद के पेड़ के जड़ में इन्हें डाल देते हैं, या फिर आप अपने घर में जो भी पेड़ पौधे लगा रखे हैं उन गमलों में भी डाल सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आप बिल्कुल क्लीन होने लग जाते हैं। यानी कि जितने भी आपके जीवन में बाधाएं चल रही हैं या कितने भी धन की समस्याएं हैं, तो इससे बिल्कुल ठीक होने लग जाता है, क्योंकि आपके नाखूनों में ऑरा होता है। और यही अगर आप किसी पेड़ में इसको डाल देते हैं तो उसी पेड़ पौधों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ने लगता है, जिससे कि जीवन में आने वाले सारी समस्याएं बिल्कुल दूर होने लग जाती हैं। आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं, चाहे वो पौधा तुलसी का हो या फिर शमी का या फिर कोई और पौधा हो। अगर बरगद के पेड़ में डालते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि बरगद का पेड़ बहुत तेजी से विकास करता है, चाहे बरगद का पेड़ कहीं भी उत्पन्न हो जाए, वह अपने जड़ों को इतना ज्यादा विस्तार कर देता है कि उसकी जड़ें बहुत दूर दूर तक अपनी पकड़ को बना लेती हैं और उसकी जड़ें फैलती रहती है। जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके मन में हमेशा ही अनजान भय बना रहता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के मन में डर और भय के साथ साथ चिंता बनी रहती है तो फिर यह समझ लें कि उसका कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता, बल्कि उस दौरान वह व्यक्ति कोई कार्य करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और ऐसी समस्या काफी लोगों के साथ आजकल हो रही है। उन्हें रातों को ठीक से नींद तक नहीं आती। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि शुक्रवार के दिन अपने पूरे नाखूनों को, यानी कि हाथों के, पैरों के सभी नाखूनों को काटकर लौंग के साथ शनिवार के दिन जलाना है। इस बात का भी ध्यान रखें कि सिर्फ शुक्रवार के दिन ही आपको अपने नाखून काटने हैं और उन्हें संभाल कर रख लेना है। फिर शनिवार के दिन कपूर की सहायता से या फिर किसी भी लकड़ी को जलाकर उनके ऊपर नाखूनों को जलाते हुए उन्हें राख कर देना है, और उस समय जलाना है जिस समय शाम होती है, और उस रात को किसी भी पौधे के गमले में उसको डाल देना है। और ऐसा करने से तुरंत ही जो भी आपके बिगड़े हुए काम हैं, जो नहीं बन पा रहे हैं, वो धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे और आपकी चिंताएं धीरे धीरे समाप्त तो होने लग जाएंगी। बस इन्हीं कार्यों को करना है और देखेंगे कि अपने आप में आप कितना खुश रह पा रहे हैं।